हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दोस्तों मैं इससे रिलेटेड सारी एडिशनल जानकारी भी आपको दूंगी, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। जो हमारा स्लोप दिया होता है, ढलान जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वेग और समय में हमारा जो ढाल दिया होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, वो क्या डिनोट करता है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, जो हमारा ये ग्राफ होता है वी एंड टी का, जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है, ये हमारा एक्सेलरेशन ए को डिनोट करता है। इसका जो सिंबल होता है स्मॉल ए होता है, इसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ होता है किसको डिनोट करता है, वी और टी ग्राफ हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हाइड्रोजन बम होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, न्यूक्लियर फीजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूटन्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन है पेप्सिन डाइजेस्ट, जो पेप्सिन एक हार्मोन होता है वो क्या डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन हमारा होता है एक हार्मोन, वो क्या डाइजेस्ट करता है हमारा। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन इन स्टमक, नंबर दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स इन माउथ, नंबर थर्ड है फैट्स इन ड्यूडोनियम, एंड फोर्थ ऑप्शन है मिनरल्स इन इलियम। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रोटीन इन स्टमक, जो हमारे पेट में ये क्या करता है, हमारा डाइजेस्ट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांड नेम टेफ्लॉन रिप्रेजेंट विच पॉलीमर, टेफ्लॉन जो होता है किस पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पॉलीमर होता है टेफ्लॉन का, उसका फॉर्मूला होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो हमारा इसमें से पहला ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीस्टाइरिन, नंबर सेकंड है पॉलीप्रोपिलीन, नंबर थर्ड है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथाइलीन, और नंबर फोर्थ है पॉली एथाइलीन टेट्रा फैलेट। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, मैंने बोला यहाँ पे फ्लोरीन का जिक्र हो गया है, फ्लोरो हमारे सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि थर्ड ऑप्शन हमारा इस तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज द पावर हाउस, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियस, नंबर सेकंड है माइटोकांड्रिया, नंबर थर्ड है साइटोप्लाज्म, नंबर फोर्थ है मेम्ब्रेन। तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा नंबर सेकंड माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो माइटोकांड्रिया होता है उसको हम लोग रिस्पायरेटरी साइट भी बोलते हैं। उसका जो क्वेश्चन है मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ आइज विच इज ऑल्सो नोन एज, मायोपिया जो होता है जो जिसे हम दृष्टि दोष बोलते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, फार साइटनेस, नियर साइटनेस, एस्टिग्मैटिज्म, नंबर फोर्थ है नाइंट ब्लाइंडनेस। तो इसको हम लोग नियर साइटनेस के नाम से जानते हैं। जो ये नियर साइटनेस होता है इसे हम हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, और जो फार साइटनेस होता है उसमें हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इसको, और इसे हम क्या बोलते हैं, मायोपिया को हम लोग नियर साइटनेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगई, तो जो हमारा फंगई होता है उसकी हम लोग जो स्टडी करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया है बायोलॉजी, नंबर सेकंड है पैथोलॉजी, नंबर थर्ड है फंगलॉजी, और नंबर फोर्थ है माइकोलॉजी। तो इसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा फंगई होता है उसकी हम लोग एस्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द एक्सरे, जो हमारी एक्सरेज होती है जो कि एक्सरे में काम आती है, बोन्स का हम लोग एक्सरे करवाते हैं, तो उनकी खोज किसने करी थी। तो नंबर फर्स्ट है जॉन विलहेम्पटन रिटर ने, नंबर सेकेंड है विलहेम कर्नोड रॉन्टजन ने, और नंबर फोर्थ थर्ड है एंटोनी हेनरी बैकरल ने, और नंबर फोर्थ ऑप्शन है आइजक न्यूटन ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा विलहेम कर्नोड रॉन्टजन ने। इसका ये जो लास्ट नेम है रॉन्टजन, ये आपको याद रखना, आपने कई बार सुना होगा कि एक्सरे की खोज किसने करी थी, रॉन्टजन ने। क्वेश्चन है एड्स इज कॉज्ड बाय, जो एड्स होता है किसके कारण होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर फर्स्ट है रिकेट्सिया, नंबर सेकंड है फंगस, नंबर थर्ड है जीवाणु बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, नंबर फोर्थ है वायरस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट होगा, जो एड्स होता है वो HIV वायरस के कारण होता है।
जो एक्स होता है हमारा वायरस की कारण होता है। तो इसका राइट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जो एसआई यूनिट होता है फोर्स का उसे हम क्या बोलते हैं। नंबर चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, नंबर फर्स्ट है डायोप्टर, नंबर सेकंड है न्यूटन, नंबर थर्ड है हर्ट्ज, नंबर फोर्थ है डेसीबल। तो उसे हम न्यूटन बोलते हैं, जो हमारा फोर्स होता है उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन जो होता है फोर्स का एसआई यूनिट होता है। विच एमंग दीज ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसकी तीसरी आंख किसे बोला जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पीनियल ग्लैंड, हमारा राइट ऑप्शन है। शीर्ष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन है हमारा बैरोमीटर इज यूज टू, जो बैरोमीटर होता है उसको किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर फर्स्ट मेजर रेनफॉल, नंबर सेकंड मेजर टेम्परेचर, नंबर थर्ड है मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर फोर्थ है मेजर सी लेवल। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है उसके मापन के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल सिल्क, जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे हैं, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो हम इसको रेयन के नाम से जानते हैं, और जो हमारा नेचुरल सिल्क होता है वो हमारे मलबरी के पेड़ से पाया जाता है, लेकिन जो कृत्रिम रेशम होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, रेयन नाम से। नेक्स्ट है कर्ड कंटेंट्स मेनली एसिड, जो दही होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, बेंजोइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही में पाया जाता है। अनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑकर्स इन द अब्सेंस ऑफ, जो हमारा अनएरोबिक होता है अवायवनीय श्वसन जिसे बोलते हैं वो किसकी अनुपस्थिति में होता है, मतलब कौन सी हमारी जो इसमें से एलिमेंट होता है वो हमारा मिसिंग होता है अगर हमारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। तो इसमें नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, नंबर सेकंड है ओजोन, नंबर थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है अगर उस वो अब्सेंस होता है तो उसे हम बोलते हैं अनएरोबिक रिस्पायरेशन। क्वेश्चन हमारा विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रीजन होती है, किस गैस के कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हमारी जो CO2 गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग का रीजन होती है। इसी के अगला है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, द्रव के रूप में कौन सी ऐसी मेटल है। पोटेशियम, सोडियम, मरकरी, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मरकरी। मरकरी जो होती है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। क्वेश्चन है सिल्वर सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन, जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किस पेड़ से पाए जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन है बेसिल लीव्स, नंबर सेकंड है करी लीव्स, नंबर थर्ड है रोज लीव्स, नंबर फोर्थ है मलबरी लीव्स। तो इसे मैंने बताया था आपके मलबरी लीव्स से पाई जाती है, मलबरी का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों में से पाई जाती है जो हमारे सिल्क वॉर्म होते हैं, और इसका जो आर्टिफिशियल नेम होता है रेयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमारे पास दो क्वांटिटी होती है फिजिकल जो कि होती है, एक वेक्टर होती है और एक स्केलर होती है। तो इसमें से पूछा है आपसे कि अ वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है, मास एंड वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेंशन, इनर्सिया एंड स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर फोर्थ, जो हमारा है वो राइट ऑप्शन है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है हमारे लिए जरूरी होता है अगर हमारी वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज डिफिशियंट इन मिल्क, मिल्क जो होता है दूध में किस तत्व की कमी होती है। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। जो हमारा आयरन होता है वो दूध में कम पाया जाता है, और कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सारे एलिमेंट जो है हमारे दूध में पाए जाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर द नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ, तो किसके ये समस्थानिक होंगे जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो नाइट्रोजन के, गोल्ड के, कार्बन के, हाइड्रोजन के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। इनके फॉर्मूले होते हैं 1H1 जो कि प्रोटियम का है, 1H2 हमारा है ड्यूटेरियम का, और 1H3 जो हमारा है वो हमारा ट्राइटियम का। ये तीनों जो होते हैं आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन होते हैं।
विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर होता है उसकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर फर्स्ट है मैलियस, नंबर सेकेंड है मेटाकार्सल, नंबर थर्ड है स्टिपीज और नंबर फोर्थ ऑप्शन है स्टिंगैकस। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा नंबर थर्ड होगा, जिसे हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। ये हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, जो हमारे कान होते हैं उसमें छह हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें कि स्टेप जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है स्पेस दिया हुआ है, आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो या दो से अधिक घटकों का जो सजातीय मिश्रण होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, इमल्सन, एंजाइम्स, सॉल्यूशन एंड अमलगम। तो उसको हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन जो होता है दो या दो से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण होता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एसिडी ऑफ एल्गी इज नोन एज, जो सवाल होते हैं उनके अध्ययन को क्या हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। तो हमारा जो फाइकोलॉजी होता है उसे हम एसिडी ऑफ एल्गी बोलते हैं, और जो हमारा माइकोलॉजी है ऊपर मैंने आपको बताया इसको किसकी स्टडी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।